इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। स्वागत है आप सभी का और शुरुआत करते हैं आज के कुरुक्षेत्र की। हमारे साथ गौरव भाटिया जी जुड़े हैं भारतीय जनता पार्टी से, अलका लामा जी जुड़ रही हैं हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से। गौरव जी, अलका जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। बड़ा गंभीर विषय आज का। मैं चाहूंगा एक बार फिर से हम वो तस्वीरें दिखा दें जिस पर हम आज ये चर्चा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक इस वक्त भी चल रही है, शाम 5:30 बजे मीटिंग शुरू हुई थी, उसकी तस्वीरें आपके सामने। कई केंद्रीय मंत्री और सेंट्रल बोर्ड्स के चेयरमैन वगैरह सब इसमें मौजूद हैं। तय ये होना है कि बोर्ड के एग्जाम कैसे कराए जाएं, और केवल सेंट्रल बोर्ड्स की बात नहीं है, बाकी प्रदेशों के जो स्टेट बोर्ड्स हैं वो भी इंतजार कर रहे हैं कि केंद्र क्या फैसला करता है। तो अब शुरुआत करते हैं चर्चा की। मैं एक दो निवेदन करूंगा अपने मेहमानों से, क्योंकि ये मुझे हमें ये रिक्वेस्ट आती है, कहा जाता है कि अपने ऑनरेबल गेस्ट से बस इतना हम लोग चाहते हैं कि एक दूसरे के ऊपर ना बोलें। अगर अपनी अपनी बारे में बोलेंगे तो हमको ज्यादा बातें समझ में आती है। मैं व्यूअर फीडबैक दे रहा हूं, मेरी अपनी इच्छा तो ये है ही। मैं शुरुआत गौरव भाटिया जी आपसे करना चाहता हूं। जैसा कि हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं, चर्चा तो चल रही है, लेकिन बहुत सारे राज्यों के बोर्ड्स जो हैं, राज्य सरकारें जो हैं, वो पहले ही ये तय कर चुके हैं कि हम शायद जुलाई में करा लेंगे, अगर जुलाई अगस्त के बीच में करा लेंगे टेंटेटिवली। भले ही वो वेट कर रहे हैं, लेकिन ये मैसेज जा रहा है कि सरकारें शायद चाहती हैं कि इम्तिहान हो, और स्टूडेंट्स का, छात्रों का बहुत बड़ा तबका नहीं चाहता कि उन्हें सेंटर्स पर जाकर बैठकर इम्तिहान लिखना पड़े। क्या कुछ बता सकते हैं आप कि राज्य ये चाह रहे हैं, बच्चे ऐसा नहीं चाह रहे, क्या समाधान निकलेगा? सौरभ जी, सकारात्मक बात से शुरुआत करते हैं, और मैं आपसे पूरी तरह से सहमत हूं। ये मुद्दा हमारे बच्चों का है और हमें सुनिश्चित करना है कि वो सुरक्षित रहें, और हमें ये भी सुनिश्चित करना है कि उनका एक साल बर्बाद ना हो। और जब ये चर्चा चल रही है तो इसकी एक पृष्ठभूमि है जो हमें दर्शकों के सामने बिल्कुल रखनी चाहिए। अप्रैल 2021 कुछ विपक्षी दल तब राजनीति कर रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई और क्लास 10th के जो बोर्ड्स होते हैं उसको निरस्त किया गया था, और क्लास 12वीं के लिए उसको स्थगित करते हुए कहा गया था कि आगे जिस तरह की परिस्थितियां बनेंगी उस हिसाब से निर्णय लिया जाएगा। और आज जब ये चर्चा चल रही है तो हमें ये भी बताना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में एक बैठक चल रही है जिसमें सभी विकल्पों पे हम लोग विचार करने के बाद सरकार तय करेगी कि क्या करना चाहिए। और इसीलिए जब ये बैठक पूरी हो जाएगी तो उसका जो निर्णय होगा वो हमारे देश के बच्चों के हित में होगा, ये यकीन हर नागरिक को है, हर बच्चे को है। तीसरी बात, आपने कहा कुछ बच्चों का ये मानना है कि उनके लिए सुरक्षित नहीं है कि वो एग्जामिनेशन सेंटर जाएं, तो सौरभ जी मैं कहूंगा बिल्कुल कुछ बच्चों को ये डर हो सकता है, लेकिन कुछ बच्चे हमारे ऐसे भी हैं जिन्होंने पूरे साल तैयारी करी है और उनके जो अभिभावक हैं और बच्चे हैं उनका ये मानना है कि एग्जाम होने चाहिए। लेकिन सभी पहलुओं को देखते हुए जो विशेषज्ञ हैं, जो बोर्ड के हेड हैं, प्रधानमंत्री जी और जो वरिष्ठ मंत्री इस बैठक में आ रहे हैं, वो फैसला लेंगे जो देश के भी हित में होगा और बच्चों के हित में भी। उम्मीद करते हैं ऐसे ही हो। मैं ये आपने जो कहा ये बात बिल्कुल ठीक है कि एक वर्ग ऐसा है जो कहता है कि हमने तैयारी की है, हमें अच्छे नतीजों के लिए हमें एक प्रॉपर एग्जाम चाहिए। मेरा ऐसा मानना है, ये मेरी अपनी निजी राय है, कि ज्यादातर बच्चे ऐसा नहीं चाहते। मैं ये इस बिना पर कह सकता हूं क्योंकि मैंने कुछ लोगों से बात की है, कुछ ऐसी बॉडीज से बात की है, एसोसिएशन से बात की है जो रिप्रेजेंट करती है पेरेंट्स को और बच्चों को। मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादातर बच्चे इन हालात में एग्जाम देने से डर रहे हैं और पेरेंट्स भी डर रहे हैं। अलका लामा जी, प्रियंका गांधी वाड्रा जी ने कल शायद एक चिट्ठी लिखी थी हमारे एजुकेशन मिनिस्टर साहब को, वो अभी अस्वस्थ हैं, अस्पताल में हैं, जल्द ठीक हों कामना करते हैं। उसमें उन्होंने जो भावना लिखी वो भी यही थी कि एग्जाम अभी के माहौल में कराना ठीक नहीं है, लेकिन जो गौरव भाटिया ने कहा फिर क्या करें, साल खराब होने से बच्चों का। सौरभ जी, मुझे लगता है जब आपने बात की ना कि आपको लगता है कि अधिकतर बच्चे, अभिभावक या अध्यापक नहीं चाहते इस माहौल में एग्जाम हो, क्योंकि आप जमीन से जुड़े हुए हैं। आपके जो बयान था ना, बड़ा वायरल हुआ, मैंने ट्विटर पे देखा, जो आपने सिर्फ इतना कहा
कि इम्तिहान हो ना हो ये फैसला करने के लिए नेता डिजिटल मीटिंग बुलाते हैं और डिजिटल मीटिंग में बुलाकर ये तय कर रहे हैं कि बच्चों को फिजिकली आकर एग्जाम देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो बच्चों ने बहुत पसंद किया कि ये दोहरा मापदंड क्यों तय किया जा रहा है। प्रियंका गांधी जी ने जो पत्र देश के शिक्षा मंत्री को लिखा, नहीं मालूम था क्या कारण है जो मीटिंग शिक्षा मंत्रियों के साथ देश के शिक्षा मंत्री को लेनी थी वो देश के रक्षा मंत्री क्यों ले रहे। आज पता लग रहा है कि देश के शिक्षा मंत्री खुद हॉस्पिटलाइज्ड है इसी कोरोना महामारी की चपेट में। सब दुआएं करते हैं वो ठीक हो, जल्दी ठीक हो, वापस आए, लेकिन देश का शिक्षा मंत्री खुद एम्स में बैठा, ये चेतावनी है। और मैं आपको फिर कह रही हूं कितने बच्चों से हम बात कर पाएंगे, 1,50,00,000 के करीब बच्चे पूरे देश में सीबीएसई के इम्तिहान में बैठने वाले हैं। कितने बच्चों से बात कर ली है, लेकिन आप ओवरऑल माहौल देखेंगे। फिक्की ने लेटर लिखा है, फिक्की तो राजनीति नहीं कर रहा होगा, फिक्की ने लेटर लिखा है कि बच्चे नंबर एक परीक्षाओं का अगर आम दिन भी हो, या आम सामान्य दिन समय नहीं है, यह महामारी का समय, आम समय में भी बच्चों पर एक मानसिक तनाव होता है, एग्जाम में उनकी काउंसलिंग करनी पड़ती है, तो ये आम दिन नहीं है, वो वैसे ही परीक्षा को लेकर तनाव में है, कोरोना महामारी और असमंजस की स्थिति पे है, होगा नहीं होगा, कैसे होगा, ये सब चीजों में। और दूसरी बात वैक्सीन को लेकर, हमारा यही नारा है कि वैक्सीन नहीं तो इम्तिहान नहीं, वैक्सीन दो एग्जाम लो। बच्चों के भविष्य एक साल की चिंता कर रहे हैं, बच्चे की लाइफ जिंदगी दांव पर लगाकर उसका। अलका जी, क्या ये क्या मैं इसको आपका आपकी पार्टी की तरफ से जो आपने कहा एक लाइन में ही हमारा कहना है, वैक्सीन नहीं तो इम्तिहान नहीं, तो जब तक बच्चों की वैक्सीन हमारे अभी तो ट्रायल भी नहीं हुए, तो जब तक बच्चों की वैक्सीन का ट्रायल होगा लगेगी उसमें पता नहीं कितना वक्त लगेगा, आपका कहना है अपनी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर कि तब तक एग्जाम ना हो। सौरभ जी, ये तो भारत सरकार का स्वास्थ्य मंत्री का स्टेटमेंट है ना कि 2021 दिसंबर अगले 7 महीने में पूरे देश की 140 करोड़ की आबादी में 20 करोड़ को लग गया है, 120 करोड़ यानी कि 240 करोड़ वैक्सीन लग जाएंगे। ये तो इन्हीं का दावा है ना, हम तो उसी आधार पर मान कर चल रहे हैं कि ये लगा देंगे। और ठीक है, ट्रायल बच्चों पर नहीं हुआ, यूरोपीय यूनियन का अभी प्रेस रिलीज आ रही है कि उन्होंने अमेरिका ने जो अडॉप्ट कर लिया, लगा लिया, बच्चों को सुरक्षित कर दिया फाइजर, क्यों नहीं भारत सरकार यूरोपीय यूनियन या पूरे अमेरिका की तर्ज पर बच्चों वाला इंजेक्शन लेकर तुरंत 2 करोड़ इंजेक्शन आपको लेने हैं फर्स्ट फेज के लिए, क्योंकि अगर 1.5 करोड़ बच्चे हैं तो 3 करोड़ इंजेक्शन लेने हैं, अगर आप टीचर्स भी मिला ले। मैं ये क्योंकि ये टेक्निकल सब्जेक्ट है और बच्चों का सवाल है, तो इसको हम इतनी लाइटली इस पर बात नहीं कर सकते कि बच्चों को वही वैक्सीन लग जाए, वो तो एक प्रक्रिया के तहत ही होगा, तो इसमें हमें और कोई बयान नहीं दे सकते। लेकिन मैं आपकी आपने जो बात कही उसको दूसरे पहलू से मैं समझाऊं। गौरव भाटिया का कहना यह है कि जब सरकार ये कहती है कि भाई हम दिसंबर तक अपनी 18+ सारी आबादी को वैक्सीनेट कर लेंगे, एक हर्ड इम्यूनिटी हमारे यहाँ पे आ जाएगी, सुरक्षा आ जाएगी, यानी कि कुछ महीनों की बात है, कुछ महीनों के अंदर आप सुरक्षित महसूस कर पाएंगे कि बच्चे बाहर निकलकर चाहे तो एग्जाम दें, तो थोड़ा इंतजार कर लिया जाए। हमें तो यह बताया गया कि हम जुलाई महीने से या अगस्त के पहले हफ्ते से 1 दिन में 1 करोड़ वैक्सीन लगाना शुरू कर देंगे, बच्चों को नहीं भी लगेगी लेकिन देश में कोरोना का खतरा तो कम हो जाएगा। गौरव जी, सौरभ जी, देखिए बच्चों को मोहरा बना के हल्की घटिया राजनीति करना कितना उचित है, मैं आपको इसकी वजह बताता हूं। प्लीज चुप कराइए, देखिए इस चर्चा में अपनी बारी नहीं बोलेंगी, इनकी आदत है ये। नहीं, मैं दोनों से निवेदन कर रहा हूं, अपनी बारी में बोले प्लीज जी। हाँ, धन्यवाद। आप याद करिए 2 हफ्ते पहले अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया, हमारे बच्चे हैं इनको वैक्सीन लगा दीजिए, और राहुल गांधी ने भी ऐसा ही एक ट्वीट किया कि इनको वैक्सीन लगा दीजिए। इनको इस बात की चिंता नहीं हुई कि देश के वैज्ञानिक क्या कह रहे हैं, और उस समय विश्व में कहीं पे वैक्सीन बच्चों को नहीं लग रहा था, अब अमेरिका में जो 12 से 18 साल की आयु के बच्चे हैं उनको लगने की शुरुआत हुई है। हम वैज्ञानिकों के हिसाब से केवल एक जानकारी दे दूं, गौरव जी रोक रहा हूं, माफी चाहता हूं, ये बैठक जिसकी हम तस्वीरें दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जो चल रही थी खत्म हो चुकी है, अब उम्मीद करते हैं कि क्या हमें इस बैठक के बारे में कुछ बताया जाएगा, कोई बयान दिया जाएगा या नहीं, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन मुमकिन है कि कोई फैसला हो चुका हो, उसकी जानकारी हमें आज थोड़ी देर में मिलती है या नहीं, हमें देखना होगा। गौरव जी कंटिन्यू। धन्यवाद। तो सौरभ जी, मैं बता रहा था कि जब कहीं विश्व में वैक्सीन नहीं लग रहा था तब भी राजनीति होने की शुरुआत हो चुकी थी, और इसी तरह से राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल ने कहा। अब मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, बच्चों की जान जो है उससे खिलवाड़ नहीं होगा, आप अपनी ओछी राजनीति करते रहिए। प्रियंका वाड्रा की आज की चिट्ठी पे पहले इस बिंदु पे बात कर दें, क्योंकि फेस ऑफ है, समय होगा, मैं एक दो बिंदु और उठाऊंगा।
प्रियंका वाड्रा ने क्या ओछी राजनीति करी है, बिंदु नंबर तीन कहती है, मेनी स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स सजेस्टेड दैट देयर शुड बी अ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी बाय विच स्टूडेंट शुड बी वैक्सीनेटेड फुली बिफोर सिटिंग फॉर द एग्जाम्स, इट इज नाउ टू लेट टू डू दिस, मतलब पहले ही कर देते, अभी ट्रायल की शुरुआत हो रही है लेकिन पहले लगा देते, इसी को ओछी राजनीति कहते हैं। और अब मैं दूसरे बिंदु पे आता हूं, आप ये सवाल जरूर हल्का जी एक मिनट 30 सेकंड में खत्म करें गौरव जी प्लीज। हाँ धन्यवाद। देखिए अभी इस बैठक में क्या निर्णय हुआ है ये सामने स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन सभी विकल्प खुले हुए हैं और जो बच्चों के हित में होगा वो किया जाएगा। लेकिन पीएम को जरूर चिंता है बच्चों की, ये इस बात से भी ज्ञात होता है। पीएम केयर्स में अभी 3 दिन पहले ही फैसला लिया गया था कि जो हमारे देश के बच्चे हैं, हमारे अपने बच्चे हैं, किसी भी राज्य में क्यों ना हो, अगर उनके जो पेरेंट्स हैं उनकी दुखद मौत हो गई कोविड में, तो उनकी पढ़ाई लिखाई, उनको मासिक भत्ता और उसके अलावा उनका इंश्योरेंस कवरेज, उनका जो ख्याल रखा जाएगा वो केंद्र सरकार द्वारा पीएम केयर से रखा जाएगा। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है हमारे देश के प्रधानमंत्री संवेदनशील। हमारे सरकार जो भी फैसला करेगी बच्चों के हित में बड़ी संवेदनशीलता के साथ करेगी। अब मैं एक विषय को हम अगर इसको खत्म कर सके इस पर एक आखिरी कॉमेंट अलका जी का लेकर के, कि बच्चों को वैक्सीन लगाई जाए फिलहाल तो ये विकल्प दिखाई नहीं देता, क्योंकि इसमें स्टडीज होंगी, सब कुछ होंगी, और दूसरा कि इसमें वक्त बहुत लगेगा। तो ये एक दिस इज आउट ऑफ क्वेश्चन कि हम बच्चों को वैक्सीन लगा सकें। अब इससे आगे बात कीजिए, फिर बच्चों को सुरक्षित रख के कैसे इम्तिहान हो? नहीं नहीं बात खत्म हो गई ना, वैक्सीन नहीं इम्तिहान नहीं, बात खत्म कर दीजिए ना, वैक्सीन नहीं तो इम्तिहान नहीं, ये फीकी राजनीति कर रहा है। प्रियंका गांधी जी के ऊपर आरोप, अपनी बौखलाहट निकाले, ये इनकी संगियों की आदत है। फीकी कौन सी राजनीति कर रहा है? फीकी ने तो बहुत गंभीरता से एक एक बिंदु पर चर्चा करते हुए बच्चों के भविष्य पर बात की है, उस पर ये बात नहीं कर रहे। सुप्रीम कोर्ट, वो कौन सी राजनीति कर रहे हैं? संघी भाजपाइयों से पूछिए। सुप्रीम कोर्ट में जिस एडवोकेट ने अभिभावकों टीचर के साथ याचिका लगाई है, उस याचिका पर राजनीति कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की? केंद्र जवाब दे। अटॉर्नी जनरल ने कहा 2 दिन का समय दीजिए, प्रधानमंत्री जी तारीख पर तारीख दे रहे हैं। आज उम्मीद थी प्रधानमंत्री जी के साथ बैठे फैसला होगा, तारीख पे तारीख मिल रही है। बच्चों के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं, इन्होंने कहा प्रधानमंत्री पीएम के चिल्ड्रन की फेड कर रहे हैं। अरे शर्म कीजिए, कितना बड़ा जुमला खेला है आपने। प्रधानमंत्री जी कब देंगे? जब बच्चे 18 साल के हो जाएंगे, जो बच्चा 6 साल का है, जो बच्चे के माँ और पिता दोनों नहीं रहे, जो बच्चा अनाथ हो चुका है, जिसकी देखभाल करने के लिए आज वर्तमान में कोई नहीं है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं 18 का हो जाएगा तो हर महीने कुछ आर्थिक मदद देंगे। प्रधानमंत्री जी कहते हैं 23 साल का हो जाएगा तब 10 लाख देंगे। अरे कौन सी दुनिया में जी रहे हैं? वो 23 साल 18 साल तक पहुंचेगा कैसे? ये सबसे बड़ी चुनौती है उन अनाथ बच्चों। सोनिया गांधी जी ने पत्र प्रधानमंत्री जी को लिखा था, प्रधानमंत्री जी को साफ कहा है, दो नहीं एक भी पेरेंट्स अगर चला गया है, उन बच्चों की जिम्मेदारी देश की सरकार को लेनी होगी। और यही नहीं पता है कि प्रमाण पत्र, जो मृत्यु प्रमाण पत्र है ना, उसमें जो होम क्वारंटाइन थे घर में बिना इलाज ऑक्सीजन मर गए, पता ही नहीं। अलका जी बड़ा मार्मिक विषय है जो आप कह रही हैं, आपको रोकते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन मैं फिर निवेदन करूंगा अभी हम बड़े स्पेसिफिक मुद्दे पे बात कर रहे हैं, बोर्ड एग्जाम्स पे। आपका विषय बहुत मार्मिक है, लेकिन फिर एक बार दोबारा अगर बोर्ड एग्जाम्स के प्रवक्ता ने पीएम केयर चिल्ड्रन पे बात की ना, तो मेरा फर्ज बनता है मैं जवाब दूं या बेनकाब करूं कि जुमलों से देश नहीं चलेगा। अब वापिस मुद्दे पर आ रही हूँ। जो पॉलिसी थी, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को लिखा है कि जो आपकी 2020 की पॉलिसी के आधार पर जो एग्जाम पीछे आपने इंटरनल असेसमेंट पे किया, वो पॉलिसी अब लागू क्यों नहीं हो सकती, इसका जवाब देने को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। क्योंकि जब पिछली बार के मामले थे वो आज से बहुत कम थे, तीसरी लहर आ सकती है इसकी संभावना से इंकार नहीं किया जा रहा, और तीसरी लहर हमारे बच्चों को, टीनेजर को शिकार बनाएगी। ये प्रियंका गांधी जी ने भी अपने लेटर में और फिकी ने भी लिखा है, सुप्रीम कोर्ट भी चिंतित है। इन सब बिंदुओं से ध्यान हटाकर आप व्यक्तिगत पर्सनल ओछी राजनीति, आपने इनके पीएम केयर्स वाली बात का जवाब दे दिया। मैं जो आपने आगे की बात की उस पर, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने भी आगाह किया है सरकार को वक्त देते हुए गौरव भाटिया जी, कि अगर आप इस बार इम्तिहान कराने का फैसला करते हैं, जो आपने पिछले साल नहीं किया था, और ये बात सही है कि इस वक्त जो हालात हैं कई गुना ज्यादा खराब हैं पिछले साल की तुलना में, तो कोई बहुत बहुत वैलिड रीजन होना चाहिए आपके पास एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए। गौरव भाटिया राइट, सौरभ जी ऐसा है कि अगर किसी चीज के बारे में जानकारी ना हो तो कम बोलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हर चीज में कूद पड़ी है जैसे इनके नेता कूद पड़ते हैं। मेरे हाथ में सर्वोच्च न्यायालय का ऑर्डर है, शांत करा लीजिए। क्या कागज है गौरव जी? हाँ जी आप बोलिए। धन्यवाद। हाँ धन्यवाद। सुप्रीम कोर्ट का
ये ऑर्डर है, ये कहता है कि केंद्र सरकार, और केंद्र सरकार ने दो दिन का समय मांगा, बड़ी संवेदनशीलता से अपना पक्ष रखा और उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा हम फैसला लेंगे, सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने परसों ये मामला लगा दिया है, दो दिन बाद आएगा। अब इसमें इस तरह की बात करना, सर्वोच्च न्यायालय को क्या नहीं पता और ये कैसे हो गया, अरे सर्वोच्च न्यायालय और केंद्र सरकार दोनों अपना अपनी बात रख रही है, सर्वोच्च न्यायालय जो निर्देश देगा उसका पालन होगा ना, उनको ऐसा है कि राजनीति करनी है ना केंद्र सरकार को, राजनीति करनी है विपक्ष को। अब एक बात आती है, जिस तरह से कहा हाँ संघी हैं, हमें गर्व है हम संघी हैं, लेकिन आप ये बताइए जो पिद्दियों की आदत है, आपको क्या ये पता है प्रियंका वाड्रा गांधी जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया है ना सौरभ जी, महाराष्ट्र में एजुकेशन मिनिस्टर हैं, कहते हैं कि हम लोग फैसला करेंगे एग्जाम आगे होंगे कि नहीं, एक हफ्ता लगेगा। राजस्थान में वो कहते हैं हम एग्जाम करेंगे जो बोर्ड है, और हमें थोड़ा समय दे दीजिए, और ये अनफेयर होगा कि एग्जाम टाल दिए जाए क्योंकि जिन बच्चों ने पढ़ाई करी है उनका क्या होगा। पंजाब में इन्होंने कहा है जून में हम एग्जाम कराएंगे। तो ये तीनों प्रदेश तो कांग्रेस शासित हैं, क्या प्रियंका वाड्रा को पता नहीं चलता है कि इनके प्रदेशों में क्या हो रहा है? चिट्ठी भेज दी आपने उत्तर प्रदेश में, अरे आप महाराष्ट्र में पूछिए, आप राजस्थान में पूछिए, आप पंजाब में पूछिए। और एक बात मैं और कह दूं, बच्चों का भविष्य हम बर्बाद नहीं होने देंगे। लेकिन बर्बाद से मुझे याद आया कांग्रेस की हालत क्या है, बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी था, बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी था, कांग्रेस की हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। चलिए ठीक है, आपने जो भी दो तीन राज्यों के नाम लिए, ये सवाल इनका वैलिड है। अलका जी, आप राष्ट्रीय स्तर पर कहते हैं कि जब तक वैक्सीन नहीं तब तक इम्तिहान नहीं, आपकी राज्य की सरकारें कह रही है कि हम कुछ हफ्तों में या कुछ महीनों में कराने के लिए तैयार है। देखिए इन्हें मालूम तो कुछ है नहीं, एक होता है स्टेट बोर्ड, एक होता है सेंट्रल बोर्ड, या सीबीएसई की बात हो रही है। सीबीएसई अगर ये अड़ जाए कि इम्तिहान होगा, अलका जी बच्चे तो दोनों जगह बोल रही है, अलका जी बच्चे तो दोनों जगह बैठेंगे, चाहे वो स्टेट बोर्ड के हो चाहे सेंट्रल बोर्ड के हो। सर जी बात तो पूरी होने दीजिए, बोलिए। ये उल्लू की जो बात कर रहे थे ना, इन संघियों को बताइए, फर्जी डिग्री लेकर प्रधानमंत्री बड़े अच्छे से हम लोग बात कर रहे हैं, वैसे ही कर रहे हैं। चलिए जी, गौरव जी, गौरव जी, गौरव जी, महिला विकास सौंप दिया भट्टा को, फिर आप उनसे कहिए अगर वो इस तरह से बात करेगी तो इसी तरह से जवाब मिलेगा। पास फर्जी डिग्री वालों के लिए हल्का लामा जी, हल्का लामा जी, बीच में बोल रहा है गौरव जी, आप प्लीज शांत रहिए गौरव जी, किसकी है और गौरव जी आप शांत रहिएगा, मैं कर रहा हूँ कंडक्ट, एक मिनट अलका जी हम लोग अपनी सीरियस बात कर रहे हैं, आपने बड़ी सीरियस बात की थी, मैं इतना कह रहा था कि चाहे स्टेट के बोर्ड्स हो चाहे सेंट्रल बोर्ड हो, अब सभी जगह बच्चे जाएंगे, और बल्कि एक फैक्ट और लाना चाहिए सामने, ज्यादा बच्चे देश के स्टेट बोर्ड्स में बैठते हैं तो राज्य जो निर्णय करेंगे उससे ज्यादा प्रभाव पड़ने जा रहा है। अब बोलिए सौरभ जी, क्या परेशानी है, मेरी तो बात ही नहीं पूरी हुई और आप दोनों एकदम से। नहीं नहीं, आप बोलिए, मैंने तो नहीं बोला ना, इन्होंने कांग्रेस के ऊपर कटाक्ष किया, मैंने तो कुछ नहीं बोला, जवाब दूंगी बिल्कुल। शाखा कमजोर हुई शिक्षा बोर्ड में, 12वीं की पास को पीएचडी एचआरडी का मिनिस्टर जब बना दिया था तो शाखा तो तभी कमजोर हो गई थी, खोखली कर दी, 12वीं पास फर्जी डिग्री वाले देश चलाते तो ऐसी होगा, छोड़िया आगे आती। आपने कहा स्टेट बोर्ड में भी ज्यादा बैठते हैं, सहमत हूँ, प्रियंका गांधी जी ने अपने लेटर में छत्तीसगढ़ की सरकार का उदाहरण पेश किया है, ओपन बुक घर में बैठे हुए एग्जाम देने का तरीका है और उसे छत्तीसगढ़ सरकार अडॉप्ट कर रही है। और भी सुझाव प्रियंका गांधी जी ने दिया, इंटरनल असेसमेंट कर लीजिए आप, जो फिक्की ने भी कहा, प्रियंका गांधी छत्तीसगढ़ का अपना उदाहरण है, पंजाब चाहता है बिल्कुल ना हो, राजस्थान कहता है कि हम पूरी कोशिश करेंगे व्यवस्था बना पाए, तो हर कोई अपने अपने स्तर पर कोशिश कर रहा है, लेकिन फाइनल कॉल किसको लेना है, सुप्रीम कोर्ट को नहीं, हर फैसला देश की अदालतों पर छोड़ दिया गया है, सरकार किस काम की है, इस्तीफा दे दीजिए घर चले जाइए, ऑक्सीजन से लेकर एग्जाम कंडक्ट कराना, वैक्सीन तक सुप्रीम कोर्ट में सुनवाइयां चल रही हैं, सरकार क्या करने आई है, सत्ता की मिलाई खाने आई है, मैं पूछना चाहती हूं। इतना कहना होगा अलका जी कि अभी हाँ। आपके सामने बैठक खत्म हुई है प्रधानमंत्री की, हाँ। अब सुप्रीम कोर्ट तो कोई भी अप्रोच कर सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट कोई मामला चल रहा है, इसका मतलब ये है कि वो काम सेंटर नहीं कर रहा, सौरभ जी क्यों कर रहा है सुप्रीम कोर्ट का रुख कोई, क्योंकि जो फैसले सरकारों को करने वो सरकार करने में विफल हो रही है, इसलिए लोग कहां जाएं, मरता क्या करता, लोग सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, याचिकाएं अभिभावक
छात्र टीचर डाल रहे हैं। आपको पंचायत का चुनाव भूल गया, अभी उत्तर प्रदेश का प्रियंका गांधी जी ने अपने लेटर में उसका भी जिक्र किया है। पंचायत के चुनाव लगाए, शिक्षकों की ड्यूटी लगाई, 1600 टीचर मौत के मुंह में चले गए, ड्यूटी के दौरान कोरोना संक्रमित हुए, मौत के मुंह में। इससे जुड़ा सवाल मैं गौरव भाटिया के पास ले जा रहा हूं। आपने यूपी की पंचायत चुनाव का उदाहरण दिया, ये बात सही है कि उस दौरान बहुत नुकसान हुआ, बहुत लोगों की जान गई है, इसको सबने स्वीकार किया है। अच्छा, आज में जो स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है शाम को रोज 4 बजे, गौरव जी मैं वो भी सुन रहा था, उसमें आईसीएमआर के चेयरमैन ने एक बात कही कि हमें बहुत धीरे धीरे अनलॉक करना पड़ेगा, मामले हो रहे हैं। उनका यह कहना था आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज जिलेवार देखना पड़ेगा, पैमाना यह होगा कि पॉजिटिविटी रेट क्या है, पैमाना यह होगा कितने केसेस आ रहे हैं, कितनी रिकवरीज हो रही है, डिस्ट्रिक्ट वाइज तब आप अनलॉक करेंगे, और हम एक नेशनल फैसला करने जा रहे हैं बच्चों के बारे में। सरकार एक तरफ तो यह कह रही है कि हमें बिल्कुल बारीक तरीके से शहर शहर देखना पड़ेगा, और हम एक सूत्रीय फैसला करेंगे कि अब शायद बच्चे जाकर के बोर्ड एग्जाम अपने स्कूल में जाकर के। बिल्कुल सौरभ जी, देखिए मैं फिर से कहूंगा, बैठक अभी खत्म हुई है और क्या निर्णय हुआ है बिना जाने आलोचना केवल मूर्ख लोग करते हैं। पहले बैठक का निर्णय क्या है वो देख लीजिए, उसका आकलन कर लीजिए, फिर आलोचना तो राजनीति तो आप करते ही रहेंगे, वो हमें पता है। लेकिन मैंने जो बड़ा वाजिब प्रश्न उठाया था, जो देश की जनता भी पूछ रही है, प्रियंका वाड्रा गांधी एक पत्र लिखती है छत्तीसगढ़ मॉडल, उसमें बताती है, मैं तो यहाँ पे घूम के वही आ रही कहता हूँ, बात 1.5 करोड़ अलका जी प्लीज बोलिए गौरव जी, इनकी सुई वही अटकी रहे, गौरव भाटिया बोले। टूटा तो गांधी परिवार का गुरूर है, खानदानी चोरों को जब जनता ने थप्पड़ मार मार के जीडीपी कहां पहुंच गई, पेट्रोल डीजल के दाम कितने पहुंच गए, महंगाई, बेरोजगारी, गांधी परिवार को, खानदानी चोरों को, आपको बता दूं इस वक्त आप लोगों को लाखों लाख बच्चे देख और सुन रहे होंगे, याद दिला रहा हूँ, बस बच्चे प्रोग्राम देख रहे होंगे, पेरेंट्स से प्रोग्राम देख, बिल्कुल देख रहे हैं सौरभ जी, और उन्हें चिंता है सरकार फैसला ले। तो गौरव भाटिया बोलिए अपनी बात कंप्लीट कर ले, इनका जी बोलिए गौरव। देखिए सकारात्मक सोच क्या होती है, परिपक्वता क्या होती है, आपके चैनल पे मैं बताता हूँ। इन्होंने छत्तीसगढ़ मॉडल की एक बात करी, वहां पे कहा गया है कि घर पे बैठ के ओपन बुक एग्जाम होगा। मैं तो बड़ी विनम्रता से कहता हूं कि बैठक में इस बात पे भी हो सकता है बात हुई हो, विकल्प निकला हो, निर्णय हुआ हो, तभी तो हमें इंतजार करना चाहिए कि बैठक में हुआ क्या। लेकिन मेरा वाजिब प्रश्न जो था कि महाराष्ट्र में तो कैंसिल नहीं हुए एग्जाम, राजस्थान में तो मंत्री एजुकेशन के कहते हैं कि बड़ा नाइंसाफी होगी, बच्चों ने पढ़ाई करी है, और पंजाब में उन्होंने कहा कि हम जून के महीने में कराएंगे एग्जाम 12वीं के। जो स्टेट के बोर्ड होते हैं उनका CBSE और ICSE से क्या लेना देना, ये खुद में दिखाता है कैसे इनका दोहरा रवैया। तीसरी बात इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की करी, सौरभ जी सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा वो सर्वमान्य होगा, हम अपनी बात वहां रखेंगे। लेकिन एक बात बताइए, रफेल याद है आपको, सर्वोच्च न्यायालय ने राहुल गांधी के झूठ को पकड़ के करारा थप्पड़ मारा था, सूजन आज तक है, आपको याद है, एक सवाल राफेल का नहीं आएगा, आप कोशिश करिए शाम करा लीजिए बोर्ड के एग्जाम में, राफेल का जो है दे दे, सॉरी जी आप कंट्रोल करेंगे इनको, ठीक हाँ, ये शाख वाली है, गौरव जी थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट, गौरव जी कॉन्टेक्स्ट चेंज ना हो, उल्टे ही आप बोलिए लेकिन कॉन्टेक्स्ट चेंज ना हो, इसीलिए कॉन्टेक्स्ट बता रहा हूं, आप बता दीजिएगा कॉन्टेक्स्ट ठीक है कि नहीं। मैंने आपसे ये बात बोली, सर्वोच्च न्यायालय जो फैसला करेगा हम अपना पक्ष रखेंगे, ठीक है, हमें वो मान्य होगा, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने ही तो सेंट्रल विस्टा का फैसला दिया, रफेल में राहुल गांधी ने माफी मांगी बिना शर्त के, तो वो क्या था, ये नहीं हो सकता। अच्छा देखिए गौरव जी आप जो बात कह रहे हैं, जो अच्छा जो बात कह रहे हैं जो नहीं अच्छा लगे नहीं, आपने कहा भी सेंटर का फैसला सामने नहीं आया, मैं इस बात से सहमत हूँ, अभी फैसला आ जाए पता चल जाए तो वही फैसला राष्ट्र का बताया, वही फैसला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में ज्यादातर याचिकाएं जो गई हैं वो उन लोगों की गई हैं जो नहीं चाहते कि एग्जाम हो। अब सरकार का फैसला भी अगर उसी लाइन पर है तो विवाद खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर सरकार ने यह तय किया कि नहीं पेपर होंगे तो फिर सुप्रीम कोर्ट को एक फैसला लेना पड़ेगा, वो आगे की बात है। मैं एक बात और जोड़ दूं, बोलिए, आपकी बिल्कुल सही बात, क्योंकि आप तो सीनियर एडवोकेट हैं जी, मैं बता रहा हूँ। देखिए दो पक्ष हैं, मैंने शुरुआत करी, बहुत से ऐसे बच्चे हैं हमारे देश के और अभिभावक हैं जो ये मानते हैं एग्जाम होने चाहिए,
और बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो मानते हैं कि नहीं होने चाहिए। कुछ लोग सर्वोच्च न्यायालय गए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि जो सर्वोच्च न्यायालय गया वो गलत है या जो चाहता है एग्जाम दे वो गलत है। पूरे राष्ट्र हित में एक फैसला लिया जाएगा जो सबको मानना पड़ेगा। अगर उससे किसी को दिक्कत है, परेशानी है, तो वो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय जा सकता है। लेकिन ये कहना कि अगर कोई बच्चा सर्वोच्च न्यायालय चला गया तो इसमें सरकार की कमी है, ऐसा नहीं है। सबको आप कुछ नहीं कर सकते, जो कोर्ट कोई भी जा सकता है या ये बात है कि आपकी अदालत में तो कोई भी अप्रोच कर सकता है। अच्छा, आप लोगों की इजाजत से मैं कुछ बच्चों के सवाल आए हैं वो भी आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। कुछ क्वेश्चन उन्होंने पूछे, उनका जवाब आप दीजिएगा। एक सवाल जो है हमें ये मुझसे एक व्यक्ति ने पूछा है, एक बच्चे ने पूछा है कि हमारा तो कोर्स ही पूरा नहीं हुआ इस बार कोरोना की वजह से, हमारा सिलेबस ही पूरा नहीं हो पाया, तो आप हमसे एग्जाम किस चीज का दिलवाएंगे? आप ये कैसे तय करेंगे कि हमने कितना कितना सब्जेक्ट पढ़ लिया और कितना नहीं पढ़ा? एक सवाल अलका जी। सर, यही सबसे बड़ी बात है। कोरोना महामारी में आप स्कूल कॉलेज खोलने की हिम्मत नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन आप 1.5 करोड़ बच्चों को एक साथ एक समय पर इकट्ठा कराकर परीक्षा करके इस महामारी की आग में झोंक देना चाहते हैं। अगर महामारी खत्म हो रही है तो बंद करिए ना ये प्रधानमंत्री जी डिजिटल मीटिंगें कर रहे हैं, बुला लीजिए सब देश के शिक्षा मंत्रियों को, आमने सामने बैठ करिए, पता अपना बच्चों में अभिभावकों में डर खत्म हो जाए कि कोरोना महामारी तो है ही नहीं। आप डिजिटल मीटिंग करेंगे, आप स्कूल कॉलेज खोलने की हिम्मत नहीं दिखाएंगे, लेकिन एग्जाम कराएंगे, और किस कीमत पर? बच्चों की जान की कीमत पर। आपको पता है कि बच्चों पर वैक्सीन नहीं आया है, अभी लगने की संभावना भी नहीं है। सबसे ज्यादा तीसरी लहर का खतरा इन्हीं बच्चों पर बना हुआ है, और बहुत से बच्चे मानसिक तनाव में हैं। इन्हें ये बहुत हल्का लग रहा है, आप समझ रहे हो कितने बच्चे मानसिक तनाव में हैं? इसलिए ये असमंजस खत्म करना होगा। तारीख तारीख आज मीटिंग 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 पर मीटिंग खत्म करिए, फैसला करिए देश हित में, बच्चों के भविष्य को देखते हुए, स्वास्थ्य को देखते हुए, हालात को देखते हुए एग्जाम नहीं होंगे, ताकि बच्चे इस ट्रॉमा से, इस मानसिक उत्पीड़न से बाहर आए। और नहीं, अच्छा ठीक है, अच्छा ये बात आपने कई बार कही दी, अब मुझे अब ये बताइए कि फिर क्या है सोल्यूशन? ऑनलाइन एग्जाम तो ये कहा जाता है कि भाई हर बच्चे के पास तो सुविधा नहीं है, हमारे गांव में देहातों में कई बच्चे हैं जिनके पास ऑनलाइन पढ़ाई की भी सुविधा नहीं थी, तो वो एग्जाम कैसे देंगे? तो फिर क्या इंटरनल असेसमेंट पर करें? ये भी जिक्र फीकी ने किया है कि आप अगर ऑनलाइन भी परीक्षा कराते हैं, ठीक है, तो पूरे देश के 1.5 करोड़ बच्चे जो ग्रामीण प्रवांचल में हैं, उनके पास स्मार्टफोन इंटरनेट फैसिलिटीज नहीं है, सेंटर्स पे जाकर नहीं दे पाएंगे, उनके बारे में भी सोचना होगा। इसलिए यही फैसला है कि एग्जाम रद्द कर दिए जाए, और मुझे लगता है देश हित में बच्चों में ये फैसला ले लेना चाहिए बिना समय गवाए। अब फिर सुप्रीम कोर्ट में छोड़ दिया गया है, अब 3 जून को देखते हैं क्या फैसला होता है। लेकिन आपको पता है एक एक पल हमारे बच्चों को मानसिक तनाव की तरफ ले जा रहा है। मुझे तो ये डर है कि बहुत से बच्चों ने अपने एक पेरेंट, किसी ने दो पेरेंट्स, किसी के घर में एक बंदा आज भी कोरोना से संक्रमित है, अस्पताल में है। आप उनकी हालात क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? इसीलिए हम कहते हैं, अब मैं बोलूंगी नहीं इनको मिर्ची लगेगी, औलाद वाले सरकार में होते तो दर्द महसूस। अच्छा, ये सब छोड़े रात का जी, ठीक जी। हाँ गौरव भाटिया जी, जो मैं बात अभी आपसे कह रहा था, कई सारे विकल्प जो सीबीएसई ने दिए थे कि 1.5 घंटे की परीक्षा करा ली जाए, सीबीएसई ने ये भी कहा कि होम सेंटर्स पर बच्चे एग्जाम दिए जाएं और उसमें केवल प्रमुख विषयों के एग्जाम किए जाएं, लेकिन जब वो सुझाव हमने देखे तो ये लगा कि सीबीएसई में बैठे लोगों को ये लगता है कि पेपर तो इन पर्सन होना चाहिए, पेपर ऑफलाइन होना चाहिए, ऐसी राय हमें बोर्ड्स की लग रही है, इसीलिए तो बच्चों में और पेरेंट्स में संशय है। आप कह रहे हैं कि ये निर्णय नहीं हुआ, लेकिन सुझाव इसी लाइन पर थे। गौरव भाटिया, सौरभ जी, पहले तो मैं आपत्ति दर्ज करता हूं जिस तरह की टिप्पणियां आपके शो पे करी जा रही हैं, और इसका उत्तर देना बड़ा जरूरी है। यही फर्क है, एक वंशवादी कांग्रेस पार्टी सोचती है गांधी परिवार का बच्चा ही मेरा बच्चा है, शांत कराइए इनको। अलका जी, अलका जी, अलका जी, देखिए अलका जी, देखिए अलका जी, अलका जी, चुप कराइए, अलका जी आपने जो बात बोली, अलका जी आपने जो बात बोली, आपने उसने खुद ही कहा कि आपने उसने खुद ही कहा कि प्रतिक्रिया होगी, आपने जो बोला है उस पर प्रतिक्रिया होगी, तो आप जानती थी। बदतमीज इनका बाप होगा, बदतमीज माँ होगी, करेंगी अलका जी, ये सब नहीं अलका जी, इतना पर्सनल होने की कोई बात नहीं, इतना पर्सनल होने की कोई बात नहीं, आप लोग कौन पर्सनल हो रहा है? पर्सनल मत, आपका रिमार्क भी, आपका रिमार्क भी अच्छा नहीं था, आपका रिमार्क भी अच्छा नहीं था, मांग ली कि मुझे ये कहना पड़ रहा है दुख और पीड़ा के साथ माफी मांगना पड़ रहा है, कहना तो गलत बात है, जो आपने कहा वो एक बहुत ही पर्सनल रिमार्क था, खराब रिमार्क था। फर्जी डिग्री वाले बार
12वीं पास वाले शिक्षा मंत्री आपने जो अपने लास्ट स्टेटमेंट के अंत में कहा वो घोर आपत्तिजनक कमेंट था अलका जी। अलका जी नहीं अलका जी गलत बात खड़ा करा और मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, विषय हम बड़ा गंभीर आज चर्चा कर रहे हैं, हम लोग को ऐसी बातें करनी नहीं चाहिए। गौरव भाटिया बोलिए। अलका जी आपकी बारी, आप बोलिए। अलका जी आप बोलिए। गौरव भाटिया देखिए, ये इनका दर्द मैं समझ सकता हूँ, जो इन्होंने टिप्पणी करी जी। शांत कराइए, बोलिए गौरव जी, शांत कराइए। अलका जी आप प्लीज इंटरप्ट मत कीजिए, हम लोग अभी समय है, हम कुछ सवाल और ले लेंगे। प्लीज बोलिए गौरव। देखिए इनका दर्द मैं समझ सकता हूँ, एक कुपूत पैदा हुआ गांधी परिवार में और गांधी परिवार को लगता है चलिए खत्म करें अब इस बात को खत्म करें। गौरव आपने जवाब दे दिया, मेरे ख्याल में आपने जवाब दे लिया। गौरव इस बात मैं अपनी बात पूरी करूंगा, आप इनका फेडर डाउन करेंगे, मैं चुप हूं। आप क्या करेंगे कि फेडर में आपका भी डाउन नहीं करूंगा, इनका भी फेडर किसी का डाउन नहीं होगा। लेकिन मेरी ये उम्मीद है कि विषय की गंभीरता को देखते हुए और आज आपके दर्शक बच्चे इस बात को समझते हुए हम लोग बहुत मर्यादित बात करें। मैं फिर ठीक है अलका जी, आपने जो रिमार्क दिया था वो खराब था, गौरव उसका जवाब देना चाहते हैं, उन्होंने भी कुछ बातें बोली। मैं उम्मीद कर रहा हूं, अब मैं उम्मीद कर रहा हूं कि हम इससे आगे बढ़ेंगे। रिमार्क दिया वो ठीक था, मुझे तो आपने सर्टिफिकेट दे दिया, उन्होंने जो कहा किसने बोला पहले आपका, मैंने अभी टोका उनको, मैंने अभी टोका इन्हें कि मत बोलिए, अभी टोका मैंने इनको मत बोलिए, उनके कमेंट को बोलिए गलत था उन्होंने भी। नहीं अभी तो पर्सनल रिमार्क कोई भी किसी को मत देना, पर्सनल रिमार्क कोई भी किसी को ना दे। नाम लीजिए, कोई मत बोलिए, अलका नाम लिया, सौरभ गौरव नाम लीजिए, लीजिए गौरव के लिए। आप बोल लोगे ना मुझे, अलका जी मुझे ऐसी बातें करने में कोई गुरेज नहीं है, और इनको इनको इनका नाम लेकर ये बोलने में कि गौरव भाटिया आपका कमेंट भी खराब था, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इसमें किसी का डर नहीं मारा जा रहा है, मैं चाह रहा हूँ आगे बढ़े, आगे बढ़े इससे। इन्होंने बोल दिया राहुल गांधी के लिए जो शब्द, आपने जो बोल दिया अशरफ प्रधानमंत्री के लिए, वो लोगों ने सुन लिया है, सबने सुन लिया है, अब इससे आगे बढ़ लें। गौरव भाटिया बस अब ठीक है, मैं अपनी बात पूरी कर लूं सौरभ जी, और बड़ी सकारात्मक बात करता हूं जो मैं पूरी करना चाहता था, बीच में बार बार टोका जा रहा है। सौरभ जी किसी के लिए अपने परिवार का बच्चा, गांधी परिवार का बच्चा ही पूरे देश का इकलौता बच्चा है, और किसी के लिए प्रधानमंत्री जी के लिए, शांत कराइए, प्रधानमंत्री जी के लिए बोलिए आगे, प्रधानमंत्री जी के लिए शांत कराइए, प्रधानमंत्री जी के लिए पूरे देश के बच्चे अपने बच्चे हैं, क्योंकि वो हमारे देश के बच्चे हैं, और सारे बच्चे जो ये कार्यक्रम देख रहे हैं वो भी जानते हैं। आप याद करिए, जब स्थगित नहीं हुए थे बोर्ड के एग्जाम और कैंसिल नहीं हुए थे, प्रधानमंत्री जी ने बात करी देश के बच्चों से और क्या कहा कि आपकी जो मानसिक ताकत है उसको मैं सलाम करता हूं, और हौसला अफजाई करी। और जो बात अभी आपने एक प्रश्न पूछा, मैं कहूंगा बिल्कुल सही बात है, ये कोई आसान वक्त नहीं है देश के बच्चों के लिए, उनका कोर्स पूरा नहीं हुआ है, ये भी स्थितियां हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारे देश के बच्चों में यह जज्बा है कि वो एग्जाम में भी अपियर होंगे अगर ये निर्णय लिया जाएगा, और अगर और कोई फैसला होता है तो उसका भी सम्मान करेंगे। इसीलिए भारत वो देश है जो पूरे विश्व को रास्ता दिखाता है, और मैं ये कह दूं प्रधानमंत्री जी को इस देश के एक एक बच्चे की चिंता है, निर्णय आज आने दीजिए, उसके बाद उसके गुण दोष पे चर्चा हो सकती है। अभी राजनीतिक रोटियां सेकना इस महत्वपूर्ण विषय पे, जब सारे देश के बच्चे देख रहे हैं, अभद्र टिप्पणी करना प्रधानमंत्री के लिए ये शोभा नहीं देता, लेकिन इससे बेहतर कांग्रेस पार्टी से कोई उम्मीद भी नहीं की जा सकती। वो ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे लिए। बोलिए अलका, आप इनकी बात पर कुछ कमेंट करना चाहती है? मैं स्टूडेंट का सवाल, नहीं नहीं सौरभ, आप कह रहे थे कुछ छात्रों ने, जिसने एक ने तो मेरे पास वो दरअसल ट्विटर पर आए हैं, अभी भी आ रहे हैं लगातार, आपकी बात ताकि इन्हें समझ आ पाए कि छात्र क्या चाहता है, जब क्लासेस ही नहीं हुई, पढ़ाई महाराष्ट्र राजस्थान में बताइए क्या छात्र नहीं है, लेने पर नहीं, क्यों वो इटली में है बच्चे हमारे, महाराष्ट्र राजस्थान और पंजाब के जो बच्चे हैं वो इटली में है क्या, वहाँ सोनिया गांधी और राजनीतिक गिद्ध राहुल गांधी की नजर नहीं जाती, सोनिया मम्मा को अपने पप्पू के अलावा कोई बच्चा नहीं दिखाई देता, सोनिया मम्मा से कहो ना बाकी भी बच्चे हैं, केवल राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा गांधी ही दिखाई देते हैं उन्हें, प्रधानमंत्री मम्मा रोटी आतंकवादियों के लिए, गांधी परिवार के लिए, देश के बच्चों
का ध्यान कौन रखेगा? जुमला गढ़ दिया, जुमला अगर एक प्रश्न का आप उत्तर दे दे तो मैं आपको बता रहा हूँ आज आपको दिहाड़ी मिलेगी एक प्रश्न का। और वो प्रश्न ये है, लेकिन प्रियंका वाड्रा गांधी के इटालियन चश्मे में पंजाब के, महाराष्ट्र के, राजस्थान के बच्चे क्यों नहीं दिखेंगे? बताइए ये कौन सा चश्मा लगाया है? चलिए ठीक है, मिस्टर इंडिया एक मूवी आई थी, ये मिसेज इटालियन एक मूवी। अच्छा गौरव जी, अंकल गौरव जी, अंकल जी, गौरव जी, गौरव जी, तीन प्रदेशों के बच्चे क्यों नहीं दिखाई? अब आपने सारी बातें कर ली, जितनी पॉलिटिकल बात होनी थी। जब जहां तक स्टेट बोर्ड्स का सवाल है, ये बात सही है, बहुत सारे स्टेट बोर्ड्स अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि सेंटर क्या फैसला करेगा, वो उसके आधार पर आगे सोचना चाहते हैं। और ये बात तरसंगत भी लगती है कि जो केंद्र से एक फैसला हो एक बोर्ड के लिए, वही पूरे देश के बच्चों पर लागू हो, तो इसमें तो कोई ऐसी बात है नहीं, तो इसलिए हम अभी इंतजार कर रहे हैं। अब छत्तीसगढ़ मॉडल की जिसकी बात की जा रही है, अलका जी, प्रियंका जी ने भी उसकी ओर कहा कि उसमें है कि बच्चे जाकर के अपना प्रश्न पत्र ले आए, आंसर शीट भी ले आए और घर जाए और 5 दिन बैठ करके पेपर लिख लें और उसके बाद जाकर के अपनी आंसर कॉपी को सबमिट कर दें। अब इसमें भेदभाव की गुंजाइश नहीं है क्या? किसी बच्चे के पास बहुत सारे रिसोर्सेज होंगे, घर पे वो कैसे पेपर दे रहा है किसी को नहीं पता। किसी बच्चे के पास, जैसे आपने कहा, घर में बड़ी परेशानियां हैं, वो उन परेशानियों के बीच में पेपर लिख रहा है। ओपन बुक एग्जाम कह देने से ये समानता नहीं हो जाती, हर बच्चा समान परिस्थिति में पेपर नहीं लिख रहा होगा। इसीलिए छत्तीसगढ़ मॉडल को परफेक्ट मॉडल कहना ये भी उचित नहीं है। परफेक्ट कुछ नहीं सौरभ जी, इस दौरान परफेक्ट कुछ नहीं है, परफेक्ट मात्र ये है कि एग्जाम को रद्द करा दिया जाए, जान और जिंदगी से समझौता जिसको ये करना नहीं चाहिए। मैं आपसे सहमत हूँ, हर राज्य अपने शिक्षा मंत्री, अपने अभिभावक, अपने टीचर्स को राज्यों में बुलाकर काउंसलिंग बातचीत करके जो सुझाव आ रहे हैं उसे पेश करते चले जा रहे हैं। 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित मिलाकर 36 अपना अपना सुझाव लेकर जो है आज प्रधानमंत्री जी के सामने भी रख दिया। मंथन हुआ, मीटिंग हुई, नतीजा नहीं निकला, लग रहा है वापस कोर्ट के पाले में गेंद डाल दी गई है कि 3 जून को कोर्ट तय करेगा। मैं फिर दोहरा रही हूँ, एक वो जो राज्यों की बैठक हुई थी प्रधानमंत्री के साथ, उसके बाद तो ये कहा गया था कि ज्यादातर राज्य सहमत नहीं कि परीक्षा हो, उसमें तो ये कहा गया था। मैं तो वही कह रही हूँ, लोकतांत्रिक देश है, सब एक तरफ हो ही नहीं सकते हैं, लेकिन ये आपको देश हित में फाइनल कॉल जो है, वीटो पार, फाइनल पार, किसको फाइनल फैसला? प्रधानमंत्री जी के दरवाजे पर जब बात पहुंच गई तो सब चीजों के बाद फाइनल किसकी किसको तय करना था? प्रधानमंत्री जी को। आज वो भी विफल हो गए, कोई फैसला नहीं दिखा, वरना ब्रेकिंग चल रहा था एग्जाम रद्द हुआ, जैसे पिछली बार 10वीं के एग्जाम रद्द कर दिए गए। और आपने अभी से तय कर लिया कि वो बैठक विफल है, अभी से आपने मान लिया कि बैठक में कोई फैसला नहीं हुआ। एक एक मिनट कीमती है, असमंजस में है, बच्चों की नजर आपके टीवी शो पर भी है कि शायद कुछ ब्रेकिंग चले, बच्चों की नजर प्रधानमंत्री जी की मीटिंग में भी थी, बच्चों की मीटिंग रक्षा मंत्री जब शिक्षा मंत्री के तौर पर मीटिंग ले रहे थे तब भी थी, और आज वहां पर एम्स में भी नजर बनी हुई है। बार बार वो दिखा रहे हैं कितना घातक है, कितना घातक है ये महामारी, जवाब बच नहीं रहा। बोलिए गौरव, उन्होंने कहा शिक्षा मंत्री को अच्छा इलाज मिल रहा है एम्स में, बच्चे टीचर्स को इलाज नहीं मिलेगा। अलका जी, अलका जी, अलका जी, अलका जी, शिक्षा मंत्री अस्वस्थ हैं, बार बार ये याद दिलाना कि वो अस्वस्थ हो गया एम्स में, ये भी ठीक नहीं है बात। इससे हम तो उनके लिए दुआएं कर रहे हैं, ठीक हो, बार बार ये बात दिलाना कि रक्षा मंत्री बैठक कर रहे थे। 1600 शिक्षा मंत्री को दुर्भाग्यपूर्ण तौर पर अगर कोरोना हो गया दिल्ली में, न जाने कितने लोगों को हुआ है। चलिए ठीक है ना, तो इन अभिभावकों को गांव में जो टीचर है बच्चे उनको अच्छा, अब मैं जवाब ले रहा हूँ आपकी बात का, अलका जी एक मिनट सुन लीजिएगा, आप बोलिए गौरव। देखिए सबसे पहले तो कितनी कुंठित मानसिकता है इनकी, कितनी गिरी हुई सोच है। शिक्षा मंत्री अस्पताल में है, अस्पताल की बात करिए, आपको कोई अधिकार इनको शांत कराइए, वर्षित नहीं चाहिए इनसे। गौरव जी बोलिए, गौरव जी आगे बोलिए। इन्होंने कहा प्रधानमंत्री अपनी वीटो पावर इस्तेमाल करें, इनका एक लाइन में कहा था प्रधानमंत्री वीटो पावर इस्तेमाल करें। बिल्कुल सौरभ, पहली बात तो शिक्षा मंत्री के लिए बार बार ये कहना अस्पताल में, पूरा देश यही प्रार्थना कर रहा हूँ जल्द स्वस्थ हो। मेरे पास 2 मिनट है, मेरे पास सिर्फ शायद 1.5-2 मिनट का वक्त है, जवाब मेरे को लेना जरूरी है, प्लीज बोलिए गौरव। दूसरा, इन्होंने कहा कि ये प्रवक्ता है पार्टी की, इन्होंने कहा कि एग्जाम रद्द हो जाने चाहिए, तो मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान में एग्जाम रद्द क्यों नहीं कर देते? तीसरी बात, इन्होंने कहा वीटो पावर, तो राज्य बच्चों के नहीं है भाई, लास्ट कमेंट है गौरव। अलका जी, आपने एक शब्द इस्तेमाल किया वीटो, वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसका जवाब ये दे रहे हैं, सुन ले।
देखिए सौरभ जी, इनको संविधान की कोई समझ नहीं है, अपने जो इनके नेता 51 साल के परिपक्व वीटो पावर कुछ नहीं होता है, स्टेट के पास ये पावर होती है, अगर वो स्टेट के बोर्ड के एग्जाम रद्द करना चाहे वो कर सकता है, इनको पता ही नहीं है। और फिर कहेंगे संघीय ढांचे को तोड़ दिया, अभी अगर प्रधानमंत्री जी ये फैसला कर दे तो ये कहेंगे कर दिया। और तीसरी बात, एक और बात बता दूं, ये एक मीटिंग हुई थी पिछले रविवार को, सभी प्रदेशों से सुझाव लिए गए, उन सुझावों को ध्यान में रखते हुए चलिए ठीक है, मंत्री ने भी लिए थे कुछ समय पहले। हम उम्मीद करते हैं जो बैठक आज खत्म हुई है इसका निर्णय जल्द से जल्द सामने आएगा, और वो निर्णय ऐसा होगा जिससे देश के लाखों करोड़ों बच्चों को और उनके माता पिताओं को सुकून मिलेगा, उन्हें थोड़ी शांति मिलेगी इससे, और जो उनके मन में भी एक डर व्याप्त है शायद और संशय है वो दूर होगा। गौरव भाटिया, अल कलाम, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया आज कुरुक्षेत्र में चर्चा के लिए आने के लिए। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।